show you what love's supposed to feel like. I can show you what love's supposed to be. I can show you what love's supposed to feel like. एंड यस 2021 का मेरा पहला राइड होगा ये वाला राइड जो एक प्रॉपर राइड होने वाला है एंड एक बहुत ही एक्साइटिंग जगह मैं जा रहा हूँ और लगभग 150 किलोमीटर के रेंज पे है। एक मतलब बहुत कोशिश करके एक दिन का कैसे इधर उधर करके कुछ ऑफ मिला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड अभी हो चुका है, टाइम हो चुका है लगभग 7:30 इन द इवनिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अभी मुझे अपना बैग पैकिंग करना पड़ेगा। कल सुबह सुबह एकदम सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, बहुत सारा राइडर होगा एंड यस इट विल बी रियली एन एक्साइटिंग वन। मैं तो वेलकम करना भूल गया। दिस इज इंद्रासिस एंड वेलकम टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। सो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना बैग पैकिंग करना पड़ेगा। लगभग कुछ मेरा पैकिंग रहता ही है। कल के लिए मुझे ज़्यादा सामान नहीं लेके जाऊंगा। सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि मेरा गैजेट्स मुझे सबसे पहले चार्ज करना पड़ेगा। बहुत दिन से नहीं निकला हूँ कहीं राइड पे, तो मुझे वो सब चार्ज करके अप टू डेट करना पड़ेगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरा ड्रोन उसका कुछ अपडेट का इशू आ रहा है, तो उसको भी फिक्स करना पड़ेगा एंड सो ऑन। बहुत सारा काम है। और यस आज के लिए एक बहुत मतलब आई एम रियली वेरी हैप्पी कि मैं एक राइडा का इनर मैं ऑर्डर किया था एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आज ही डिलीवर हो गया एंड यस आई एम रियली वेरी एक्साइटेड। तो उसको मैं दिस इज द प्रोडक्ट और यस आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। मतलब क्या है, मुझे इतना खुशी नहीं आ रहा है कि मुझे ये आज मिल गया। आई वॉज थिंकिंग कि राइडर से मुझे ये मिलेगा लगभग 7 to 10 days बाद, तो मेरा राइड ख़त्म हो जाएगा, तो अगली नेक्स्ट राइड के लिए ये मैं यूज़ करने वाला हूँ, पर मुझे आज मिल गया है। अभी एक बार मुझे देख लेना पड़ेगा इसका मतलब वो लोग ऑर्डर कैसे दिया है। मतलब आई थिंक अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा देन एवरीथिंग, कल के राइड पे मैं इसको पहनने वाला हूँ एंड यस लेट्स अनबॉक्स इट एंड सब कुछ पहले चार्ज करना पड़ेगा। मैं खुद भी आज बहुत ज़्यादा चार्ज्ड हूँ। सो यस दिस इज द प्रोडक्ट और ये मुझे मुंबई से मिला है एंड लेट्स कट इट एंड सी व्हाट इज इनसाइड इट एंड हाउ डज इट लुक्स। राइडर का फीडबैक मुझे बहुत जगह पे मैंने सर्च किया एंड राइडर का फीडबैक मुझे सचमुच बहुत जगह से मिला है एंड इसके अलावा और कुछ नहीं है अंदर में। दिस इज द अभी इसको इधर से खोलना पड़ेगा एंड यस मैंने ऑर्डर किया है बोथ इसका टॉप एंड बेस दोनों एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे साइज के बारे में, यहाँ पर साइज के बारे में कुछ लिखा नहीं है। सो लेट मी सी एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है 4-way स्ट्रेचेबल फैब्रिक्स है। कंप्रेशन फिट सपोर्ट मसल्स एंड लो प्रोफाइल फ्लैट लुक स्टिचिंग एंड रेगुलेट्स बॉडी टेम्परेचर। मतलब ये सारा चीज़ मुझे यहाँ पर मिलता है। लेट्स सी यस दिस इज द टू थिंग्स मुझे यहाँ पर मिला है और इसका एक कूपन कोड भी है। अगर आप लोग चाहते हैं ये कूपन कोड तो गिव अ कमेंट बिलो, आई विल शेयर विथ यू द कूपन कोड एंड इसका साइज यस मेरा साइज एल है, लार्ज साइज है एंड सो दिस वन ऑल्सो दिस इज ऑल्सो लार्ज साइज। सो मुझे ये दोनों लार्ज साइज मिल चुका है एंड यस इसके साथ और एक चीज है जो मेरा कल का ब्लॉग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो है मेरा राइडिंग पैंट। ये है लोन रेंजर का राइडिंग पैंट, ये भी लार्ज साइज का है,
लार्ज साइज एंड इसका एक प्रॉपर अनबॉक्सिंग वाला वीडियो एंड उसके साथ ही इसका फीचर्स डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले एक छोटा सा चीज मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं। यस दिस इज द पैंट। सो ये भी रेडी है मेरा, लगभग एवरीथिंग इज प्लान्ड। देखते हैं क्या होता है एंड और कुछ नहीं है। मैं ये वाला मैं यही वाला जैकेट कल पहनने वाला हूं, मेरा लोन रेंजर का जैकेट। सो दिस जैकेट एंड दिस पैंट लोन रेंजर का एंड यस उसके साथ ही द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं अपना ओराजो वाला बूट भी ले चुका हूं एंड वो आई होप एवरीथिंग वुड बी फाइन। लेट्स सी, मिलते हैं। आज का ब्लॉग एक छोटा सा ब्लॉग था और अभी तक मैंने और ज्यादा कुछ सामान लिया नहीं है। हाँ अपना टूल किट मैं ले चुका हूँ एंड एक बार जल्दी से देख लीजिए मेरा गाड़ी का प्री इंस्पेक्शन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। प्री इंस्पेक्शन मतलब मेरा कूलेंट लेवल, मैं कूलेंट लेवल लगभग हर राइड के पहले चेक करता हूँ क्योंकि पहले बार जब मैं सिक्किम गया था वहां पर मुझे प्रॉब्लम हुआ था एंड उसके बाद से मैं ये रेगुलरली करता आ रहा हूँ। वो मेरा आरएस में हुआ था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक आएगा, आप वहां से देख लीजिए मेरा वहां पर क्या प्रॉब्लम हुआ था। जस्ट बिकॉज मेरा कूलेंट खत्म हो चुका था। ऑल्दो मैं वहां पर अपना फर्स्ट सर्विस करके गया था पर मुझे वहां पर वो प्रॉब्लम आया था, मेरा कूलेंट सूख गया था। नॉट एनी इशू, अभी मेरा गाड़ी लगभग रेडी है, थोड़ा फ्यूल करना टॉप अप करेंगे, उसके बाद उसके और एक वीडियो बना दूंगा उसका माइलेज के हिसाब से। माइलेज के हिसाब से मेरा डोमिनर अभी तक बहुत अच्छा माइलेज दे रहा है, लगभग 35 के आसपास माइलेज दे रहा है। वो अगर वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में यहाँ पर लिंक आ जाएगा, आप वहां से मेरा वीडियो देख लीजिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि रियली माई डोमिनर इज गिविंग 35 किलोमीटर पर लीटर। मेरा आर एस 200 भी वहां पर मुझे 35 KMPL मेरा माइलेज दे रहा है। सो आई एम वेरी मच लकी। हाँ और एक चीज, ये जो आपका माइलेज के इशू है वो आपका चलाने का तरीका बहुत आपका मायने रखते हैं वहां पर कि आप किस तरह से आप गाड़ी चला रहे हैं। 100 के ऊपर मुझे पसंद नहीं है चलाना, मैं बहुत ही स्टेबल बाइकर हूँ, मुझे बहुत ही कूल तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे बाइक चलाना पसंद है। मैं हार्श राइडिंग नहीं करता हूँ कभी भी। एज यू ऑल नो कि मुझे लगभग 300 अप एंड डाउन मतलब 600 का जर्नी मैं लगभग कर ही लेता हूँ। नो इश्यूज विथ माई आर एस, मैं अपना डोमिनर में ऑलरेडी 600 कर चुका हूँ, नहीं 300 हुआ है अभी। कल देखते हैं, कल अगर 150-300 हो जाएगा देन इट विल बी प्रीटी गुड शॉर्टेड। अभी मेरा मैं उसको मतलब अपना जो कूलेंट है उसको मैं ऑलरेडी रिफिल कर लूंगा। मैं अगर उसका वीडियो हो जाएगा यहाँ पर तो मैं थोड़ा मर्ज कर दूंगा मेरा वीडियो यहाँ पर, क्योंकि मुझे मेरे पास बहुत ही कम टाइम है रेडी होने के लिए। सो दैट्स ऑल, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। अभी मेरा अपना गैजेट सब कुछ रेडी करूंगा, मेरा हेलमेट एंड उसके साथ ही यस हाइड्रा पैक लेना जरूरी था पर अभी मेरे पास हाइड्रा पैक नहीं है एंड राइड ऑन का एक जैकेट था जिसमें हाइड्रा पैक रहता है पर वो जैकेट मुझे मिला नहीं है। लेंगे कभी, थोड़ा थोड़ा करके अपना आपको अपग्रेड करते जाएंगे और क्या। ओके बाय बाय, टेक केयर, दिस इज इंद्रास साइनिंग ऑफ एंड यस आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दिस राइडर। अभी इसको देखेंगे इसका क्वालिटी कैसा है। कल मैं आपको राइड के टाइम पे बोलूंगा कि हाउ एम आई फीलिंग बोथ विथ माई इनर्स एंड द राइडिंग पैंट। बाय बाय, टेक केयर, आज के लिए बस इतना ही। दिस इज इंद्रास साइनिंग ऑफ, हैव अ गुड डे। और एक छोटा सा ब्लॉग बनाना पड़ेगा।